Hi guys, my name is Tanya. Welcome back to another session, live session for food and recipes. We at FamHelp keep bringing you a lot of recipes जो आपको मिल सकती है FamHelp.in/community पे या फिर हमारे सारे सोशल मीडिया पे. आज का ये लाइव सेशन हम करने वाले हैं विद अ वेरी टैलेंटेड पर्सन और मैं चाहती हूँ वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दे. प्लीज वेलकम वंदना जी ऑन FamHelp. हाय वंदना जी, कैसे कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सानिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फैम हेल्थ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हम जैसे छोटे से होम शेफ्स को आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। और बता नहीं सकती, बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। और एक ऐसी रेसिपी जो शायद हमारे इंडिया से एक्सटेंड होती जा रही है, बहुत कम लोग इस रेसिपी के बारे में जानते हैं जो आज मैं बना रही हूँ। और ये वाटर चेस्टनट्स के साथ बनेगी। इट्स अ काइंड ऑफ अ चाट और ये मुजफ्फरनगर मुरादाबाद साइड में ज्यादा चलती है। तो रेसिपी की बात तो हम बाद में करेंगे। रेसिपी इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि विंटर स्पेशल है और विंटर्स में जो चीजें हमें लेनी चाहिए, हम क्या करते हैं नॉर्मली जो वेजिटेबल्स आउट ऑफ सीजन सीजनल होती है हम उन्हें यूज करते हैं, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें नहीं मिल पाते। तो ज्यादातर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उन्हीं रेसिपीज को अपने डाइट प्लान में फॉलो करना चाहिए जो सीजनल होती हैं, जो सीजन में हमें इजीली अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर आज कोशिश करूंगी कि आप लोगों के मन को छू जाए मेरी रेसिपी और आप जरूर उसे ट्राई करें और अपने डाइट प्लान में भी शामिल करें। तो छोटी सी बिल्कुल, होम शेफ हूँ, ग्वालियर से बिलोंग ये करती छोटा बड़ा हूँ। कुछ नहीं होता वंदना जी. आपने इतने कॉल ये लाइव जाने से पहले इतने सारे टैलेंट बता दिए आपने, तो मेरे को बताओ आप क्या क्या करते हो. आप गाना गाते हो, मैं खाना बनाते हो और क्या क्या करते हो? सिंगिंग बहुत लाइक करती हूँ। जब भी मैं खाना बनाती हूँ या मैं डस्टिंग जो भी घर के काम करती हूँ, तो मैं म्यूजिक के बिना नहीं कर सकती हूँ। और पोइट्री एक छोटा सा पार्ट है मेरी लाइफ का। जब मैं बहुत सैड होती हूँ, जब मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो मैं पोइट्री करती हूँ। रेस्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट में बिलीव करती हूँ। थोड़े से आर्टिकल्स है जो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट के बना रखे हैं। मन करता है जबकि मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करती हूँ तो ये सब करती हूँ। योगा करती हूँ कभी कभी, अभी तो टाइम नहीं है, बट बिलीव करती हूँ कि योगा आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो मुझे सोशल मीडिया पे ही मिले हैं और जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। उनका सपोर्ट बहुत जरूरी था, अदरवाइज मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। और सबसे बिल्कुल ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी समीक्षा जी का जो मुझे हमेशा हेल्प करती है यहाँ तक लाने में और हमेशा मेरी छोटी छोटी चीजों को परखती है, मुझे मोटिवेट करती है और आज शायद मैं उन्हीं के कारण यहाँ पर हूँ। बिल्कुल, आपने इतने सारे टैलेंट बता दिए. कम से कम वो गाना गा के तो दिखाना पड़ेगा हम लोगों को लाइफ पे. पर शुरू करते हैं, ये आपने स्टोव पे क्या रखा हुआ है? ये हमारा जी देखिए, नॉर्मल. आज की जो मेरी रेसिपी है वो मैं बिल्कुल विलेज स्टाइल में बनाने वाली हूँ। इसका मीन्स ये नहीं है कि हम विलेज स्टाइल में खाना बनाते हैं, हमें उसका पर्पस पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, जब हम विलेजेस में देखते थे क्ले पॉट्स में खाना बनता था, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, हमें आयरन कैल्शियम की प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, बोन्स वीक नहीं होते थे हमारे, हमें कैंसर की प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। तो मेन रीजन ये होता था कि जो क्ले पॉट है वो अपना उनके अंदर जो एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं। दूसरा, जब हम क्ले पॉट्स में कोई भी चीज बनाते हैं तो जो क्ले के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं वो हमारे खाने के अंदर आ जाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ भी बाहर से सप्लीमेंट्स की नीड नहीं होती है। अगर हम रेगुलर इन्हीं पॉट्स को यूज करें अपने खाना बनाने में, तो मुझे नहीं लगता है कि 20% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज मैंने उसी चीज को ध्यान रखा है कि मैं क्ले पॉट्स में ही अपना खाना बनाऊं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, विंटर्स में मेरे घर में उल्टे तवे पे ही रोटी बनती है, इसी में मेरे घर की नॉर्मल सब्जियां बनती हैं और मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीते हैं। तो नॉर्मली थोड़ी थोड़ी चीजें तो हम यूज करते ही हैं अपनी लाइफ में। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो सब हम माइक्रोवेव सेफ कंटेनर्स लेते हैं ये सब आप अवॉइड कीजिए और जितना हो सके अपनी देश की मिट्टी से जुड़े रहिए, क्योंकि जो हमारा कल्चर बनता जा रहा है वो हम अपनी इंडिया की जो हमारी संस्कृति है उसे भूल रहे हैं, तो वो हमें नहीं भूलना है। तो आज बिल्कुल वही रेसिपी मैं लाई हूँ कि जो हमारे लिए हेल्दी है, हमारी देश की मिट्टी से जुड़ी, हमारे किसानों से जुड़ी है, क्योंकि किसानों की प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है कि हम बाहर की सिटीज की बाहर की कंट्रीज की चीजों की तरफ भाग रहे हैं। ऑल पर्पज फ्लावर हो गया, पिज्जा हो गया, जंक फूड हो गया, ये सब चीजें हम भूल रहे हैं। जब हम इनके ऊपर आएंगे तो हमारे किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि हमें वो चीजें उनसे लेनी पड़ेंगी।
तो अगर हम थोड़ी थोड़ी कोशिश घर से ही शुरू करेंगे तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, अब सीधा चलते हैं रेसिपी पे, बताइए क्या क्या यूज करने वाले हैं बनाने के लिए। सबसे पहले वाटर चेस्टनट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इतना फैंसी वर्ड बता दिया। सिंघाड़ा या पानी फल कहते हैं, ये लोटस फ्लावर जो होता है उसके नीचे का पार्ट होता है, सबसे नीचे पानी में होता है। और सबसे बड़ी बात की विंटर्स में ही मिलता है, खाने में टेस्टलेस होता है आप कह सकते हैं, और मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, तो टेस्टलेस होता है। हाँ जी, बहुत हल्का सा मीठा होता है, बट आप उसको एज ए कुछ टेस्ट नहीं बोल सकते आप कि कैसा टेस्ट है। अगर आप उसका फ्लावर लेंगे तो वो आपको बिल्कुल टेस्टलेस लगेगा, अगर आप उसमें कोई भी फ्लेवर डालेंगे तो वही फ्लेवर वो ले लेगा। तो यहाँ पर मैंने चेस्टनट्स लिए थे और मैंने उनको बॉईल कर लिया था, जैसे हम पोटैटो को बॉईल करते हैं, और उसको मैंने पील कर लिया है। पील करने के बाद कितना लिया आपने, कितने वाटर चेस्टनट्स लिए? देखिए क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगती है, मैं बोलूँ तो यहाँ पर टोटल मिला के मेरे हाफ के जी में ये दो चीजें बन पाए हैं, मतलब अंदर से पल्प बहुत कम आता है, तो 250 ग्राम्स का ये पल्प है। तो इनको मैंने बॉईल करने के बाद यहाँ पर इस तरह से प्यूरे बना के रखा है, बहुत फाइन प्यूरे नहीं है, बहुत कोरस जैसा बनाया है कि हमें टेक्सचर जो है चने जैसा लगे। और इसको फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा जिंजर लिया है, थोड़ा सा अनियन लिया है, ग्रीन चिली है, कोरिएंडर है, और चूंकि ये टेस्टलेस है थोड़ा टैंगी होना चाहिए, तो मैंने एक टोमेटो को ब्लांच किया था 5 मिनट्स के लिए वाटर में बॉईल किया था, उसका स्किन पील करके उसका प्यूरे बनाया हुआ है यहाँ पर। और रेस्ट में इसको गार्निश जो करने वाली हूँ, मेरी ये है कीवी और गुआवा की चटनी, थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी क्योंकि हेल्दी बहुत है, नॉर्मल धनिया पुदीने की चटनी हम खाते हैं, तो यहाँ पर मैंने चटनी है जी, मैंने ये खट्टी मीठी चटनी है क्योंकि अमरूद है वो टैंगी है, और कीवी थोड़ा स्वीट टाइप है, और थोड़ा सा मैंने इसमें कोरिएंडर और ग्रीन चिली डाल के इसको चर्न किया है सॉल्ट के साथ, और ये इस तरह का कंसिस्टेंसी की एक चटनी बन गई है। तो थोड़ा डिफरेंट था, हेल्दी करना था मुझे कि मैं हेल्दी कुछ हटके करूं, तो मैंने यहाँ ये वाली चटनी बनाई है। बिल्कुल। इसके बाद जो मैं अपनी कचरी बनाऊंगी, कचरी इज अ काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं चाट, उसको मैं यहाँ पर ओट्स के, मैंने जो नॉर्मल हम घर में ओट्स खाते हैं, नॉर्मल ओट्स है मेरे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करके उसमें सॉल्ट और थोड़ा सा कोरिएंडर डाल के उसका एक डो बना लिया, और फिर डो को मैंने यहाँ पर बेक कर लिया इसमें टार्ट्स वाले मोड में डालकर, दैट्स इट। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसको खा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करें अपनी रेसिपी। बिल्कुल स्टार्ट करें। यहाँ पर क्ले पॉट की आपको इम्पोर्टेंस पता लग गई कि मैं क्यों बना रही हूँ, मेरी कचरी में मॉइस्चर नहीं है, साथ में मुझे हेल्दी करना है, और कुछ यूनिक भी होना चाहिए लाइफ में, कुछ चेंजेस होने बहुत जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल। तो, हेल्दी ऑप्शन का हम बात करते हैं, जब हम हेल्दी की बात करते हैं तो हम कहते हैं हम ऑलिव ऑयल खा लेते हैं, हम रिफाइंड ऑयल खा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, तो नहीं, हेल्दी का मतलब होता है आप जितनी भी क्वांटिटी ले जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर मतलब ऑलिव ऑयल हेल्दी नहीं होता, मैंने इतने सारे लाइव कर लिया, मैंने ये सीखा। आई एम नॉट सेइंग दिस, मेरे कहने का मतलब है आप बोलते हैं हम घी नहीं खाएंगे पूरा दिन, ऐसा नहीं है, आपको दिन में एक चम्मच दो चम्मच घी खाना है, ये नहीं कि आप बल्क में खा रहे हैं। तो यहाँ मेरी कचरी को हेल्दी बनाने के लिए अगर मैं एक चम्मच घी डाल के कचरी बनाऊंगी तो वो हेल्दी ऑप्शन है, और उसको मैं पूरे दिन में एक बार ही खाने वाली हूँ, बार बार तो स्नैकिंग के लिए यूज नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे घर का बना हुआ घी यूज किया है, और इसको मैं 1 टीस्पून जितना ही यूज कर रही हूँ, दैट्स इट, ज्यादा नहीं करेंगे हम यूज। ये आप मीडियम फ्लेम पे बना रहे हो? जी, एक्चुअली जब क्ले पॉट एक बार गर्म हो जाता है तो वो जैसे हमारे नॉर्मल पॉट्स होते हैं हम उनको जैसे फ्लेम ऑफ करते हैं तो वो एकदम से ठंडे हो जाते हैं, मतलब हाँ। नॉर्मल हो जाते हैं, बट इसकी इम्पोर्टेंस होती है कि आप इसको बंद कर देंगे उसके बाद भी एटलीस्ट 1 मिनट तक आपकी रेसिपी में बबल्स आते रहते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा इसको गर्म करने की नीड नहीं है। यहाँ सबसे पहले मैं जिंजर डाल रही हूँ, मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया है, और मैं इसको हल्का से यहाँ पे सौते कर रही हूँ, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है मुझे, और साथ में ही मैं यहाँ पर ग्रीन चिली के छोटे छोटे टुकड़े करके डाले हैं मैंने, आप ग्रीन चिली को रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन चिली पाउडर के साथ, ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं,
बट यहाँ पर बच्चे ओके बड़े हैं तो खा लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है। ग्रीन चिली तो कर ये दिया स्पाइसी इसको। बनेगी चाट? नहीं आप कह सकते हैं बहुत अच्छी, मतलब खट्टी मीठी तीखी सब मिक्स होगा, आपको एक फ्लेवर नहीं आने वाला इसमें। वाह ठीक तो है अब बढ़िया। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का अनियन कट करके लिया है और वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और मैं इसको लाइटली टोस्ट करूंगी। और ठीक है कुकिंग जब मैं करती हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, मैं बहुत चीजें सोच लेती हूँ, बहुत चीजें प्लान कर लेती हूँ, गाने भी गा लेती हूँ, अब पोएट्री भी सोच लेती हूँ कि आज मुझे ये भी करना है। आप गा तो के सुना दो हाँ गाना। मैं सोच रही हूँ कि मैं, जब तक मेरे आने सौते हो रहे हैं, मैं एक छोटा सा सॉन्ग सुनाई देती हूँ आपको, हाँ आप कौन सा गाना सुनाने वाले हो? हम सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं बता अपने दीजिए। फैंस आप से, आप अपने पसंद से जो भी फेवरेट नहीं, आप गाना है फैन आपका से वो पूछ गाना लीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग गाना चाहिए तो मैं गा दूंगी। ठीक है। ऑल आवर व्यूअर्स पुट इन सॉन्ग रिकमेंडेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी आर गोइंग टू सी कि तब तक कौन सा गाना गाएगी। तब तक आप कोई भी गाना डालो जब तक आते हैं हमारे पास सॉन्ग रिक्वेस्ट। आई एम फीलिंग लाइक अ रेडियो जॉकी जैसे सॉन्ग रिक्वेस्ट मांग रहा है। मैं जाने ये मार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देखकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। ओ वाह मेरा मन कर रहा है वैसे ऐसे फ्लैश लाइट लेके ऐसे ऐसे करने लोग जैसे कॉन्सर्ट में करते हैं लोग। वंदना जी आपने कुकिंग कैसे स्टार्ट करी? मैं एक्चुअली जब 5 साल 5th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी एल्डर सिस्टर मुझसे 9 ईयर्स बड़ी है, और उनकी एक पीजी का फ्रेंड थी, वो बाहर दिल्ली से आए थे पीजी में, और वो नॉर्मली हमारे घर आते थे कि उनको खाने का कभी भी मन होता था। तो मम्मी ने मुझे एक दिन कहा कि बेटा तुम ना आज ना कैप्सिकम और आलू की सब्जी बना लो। तो मैंने कहा मम्मी कैसे बनती है, मुझे कटिंग चॉपिंग का था शौक था। तो मैं, मम्मी ने कहा तुम्हें जैसे आ गए तुम बना दो। तो मैंने फर्स्ट टाइम वो रेसिपी बनाई थी एंड शी लाइक डेट, कि उन्होंने कहा कि आगे आज आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, तो उन्होंने बोला कि ये वंदना ने बनाई है। तो उस दिन से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला कि हम कुछ भी बनाते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो, मोटिवेशन मिलेगा या क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन करना है हमें। तो तभी से शुरू हुआ, और मेरे डैडी एक प्रोफेसर थे, तो उनका बाहर विलेजेस में भी ट्रांसफर हुआ है। पहले के टाइम में जो गवर्नमेंट टीचर्स होते थे उनको वहाँ विलेज में रहना पड़ता था, खुद कुक करना पड़ता था, और वी आर बेसिकली पंजाबी, तो तब तो मटन चिकन का बहुत जमाना था, तो डैडी वो बनाते थे, तो उनको देख देख के बहुत कुछ सीखी हूँ, और अपनी एल्डर सिस्टर से बहुत कुछ सीखी हूँ, और उन्हीं के कारण यहाँ हूँ कि वो बहुत मोटिवेट करती है मुझे। तो फैमिली सपोर्ट बहुत है, फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, कि वो कहती नहीं 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 तुम्हें करना है, नहीं नहीं करना है मतलब तो करना है, और उनका कहना मैं कभी टाल नहीं पाती हूँ। मैंने भी तो देखा था जब हमने फैम हेल्थ पे आपका प्रोमो पोस्ट करा था उस पे काफी आपके फ्रेंड्स और फैमिली ने कमेंट करा था। एक्चुअली तो टू आवर उनको बड़ा व्यूअर्स अच्छा लगता हम जो भी रेसिपी बनाने वाले होते हैं उसका हम प्रोमो पहले से ही डाल देते हैं ताकि यू कैन कम एंड वॉच। सो कीप है। फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया तो यू विल बी अपडेटेड कि क्या बनने वाला है। जी। तो एक्चुअली में मेरी फ्रेंड्स बहुत फॉलो करते हैं कि आप क्या बना रहे हो, ऐसा कौन सा इनोवेशन करने वाले हो, कुछ समझ नहीं आता आप कौन सा क्या इनोवेशन कर देते हो। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो अनियंस है बातों बातों में यहाँ पे लाइटली गोल्डन हो गए हैं, और यहाँ पे ठीक मैं है बहुत थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, और मैंने इसको मिक्स करके अब यहाँ पे हमारा टोमेटो का प्यूरे हम यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है। कितना टमेटो का प्यूरी है ये? जी कितनी टमेटोज का प्यूरी है? 1 टोमेटो का ब्लांच करके उसका प्यूरे है, क्योंकि हमारा ओके ये जो पल्प है ये ऑलमोस्ट बहुत कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डालना है ये। बाकी आपसे चॉइस है, आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हो ऊपर से, बट मैं चूंकि ज्यादा लेमन पे बिलीव नहीं करती कि उसका टेस्ट एकदम से एनहांस हो जाता है, मिक्स नहीं हो पाता है, तो मैंने यहाँ पर ही मिक्स कर दिया है। और आप ठीक चाहे है तो उसमें रेड चिली डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ज्यादा इसको तीखा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं खाना आज, तो मैं सोची कि आज ऐसा बनाऊं कि जो मैं खा लूं। आज से मेरा वैसे भी डाइट प्लान शुरू हो गया है, तो मुझे कौन लगता सा है कि डाइट कर रहे हो आप? मेरा डाइट तो ऐसा खुला डाइट होता है कि बस मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मुझे खाना है।
ये तो मेरा भी डाइट होता है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं खाती हूँ। एक्चुअली मैं पराठे और तली वाली चीजों में बिलीव नहीं करती, तो ज्यादातर मेरा साउथ इंडियन क्यूजीन ही होता है मेरा हेल्दी ऑप्शन। फिर मैं सांबर और इडली खा लू बस, सुबह भी नेक्स्ट मैंने टाइम आप उनका कुछ साउथ इंडियन में बनाना। पक्का पक्का बनाएंगे। अच्छा तो दीप्ति अभी हमारी एक व्यूअर है जो आपको बोल रही है कि आप वो मैं तेनू समझावा की गाना गाके सुनाओ। ओके श्योर। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार बिना मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यू जान मेरी। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, मेरे दिल दे चुन लिया ने तेरे दिल दिया राहा, तू जो मेरे नाल तुरेता टुर पे मेरी असाहा, जीना रेसिपीज देख के सीखे फैम हेल्प पे। ओके। तो सानिया यहाँ पे मेरा टोमेटो अच्छे से मिक्स हो गया है, थोड़ा मॉइस्चर कम हो गया है, और अभी मैं इसमें अपना फटाफट से वाला जो पल्प है हमारा वाटर चेस्टनट्स का बॉयल वाला, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है और हम इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ठीक में है मैं थोड़े से कोरिएंडर लीव डालूंगी। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि कोरिएंडर लीव हमेशा हमें कुक करते वक्त जरूर डालने चाहिए, क्योंकि उसका हाँ, फ्लेवर उसमें आता है, और हमेशा डंठल यूज करने चाहिए क्योंकि क्या सबसे यूज करना ज्यादा चाहिए? अगर देखिए ये जो हमारा धनिया होता है इसके जो पार्ट होता है ये हम क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं, सिर्फ हम ये लीव्स निकालते। तो मैं बिलीव करती हूँ कि जो स्मॉल स्मॉल स्टेम्स होती है इसको जरूर आप चॉपिंग में यूज करें, इसको तो फ्लेवर बोलते क्या है, बहुत आपने क्या बोला था? डंडल। धनिया के डंठल अच्छा ठीक है, डंठल पहली बार डंठल सुन रही हूँ। पंजाबी में बोलते हैं और डंठल हिंदी में कहते हैं। डंठल। यस ओके, धनिया की डंठल मैं भी यूज करूंगी अब। बिल्कुल। और आप इसको ऐसे ऐसे रफली क्रश करके यूज करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी बस मेरा 1 मिनट और बस मैं इसको हल्का सा मिक्स करूंगी, क्योंकि जो थोड़ा सा हल्का सा वॉटरी लग रहा है वो नहीं लगे, बाकी ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मेरी रेडी है। चाट ही रेडी है, हाँ अब हम इसको सर्व इतनी करेंगे कि हम कैसे सर्व जल्दी करें। पता भी नहीं चला यस आपने इतना एंटरटेन कर दिया खाना बनाते बनाते। ऐसे ही होता है जब हम खाना बनाते तो हमें लगना नहीं चाहिए कि हम कुछ बना रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि अभी तो और भी कुछ बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो एक रैपिड फायर खेलते, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप ओके उसका आंसर देना, ठीक है। टी या कॉफी, तंदूरी चिकन या बटर चिकन? नो नॉट एट ऑल, मैं चिकन नहीं खाती। ओहो, तो फिर पनीर या फिर सोया चाप। सोया चाप अभी तो आपने बोला था मटन मम्मा पापा चिकन खाते हैं, खाते थे। मुझे लास्ट 9 इयर्स से मैंने चिकन मटन नहीं खाया, और लास्ट 4 इयर्स से मैं वेजिटेरियन भी नहीं हूँ, सब छोड़ क्यों, दिया। ऐसा क्यों कर आपने चिकन को छोड़ दिया? बेचारा कितना क्योंकि बुरा आप लगता खाने लगे तो होगा मैंने सोचा पंडितों ने खाना छोड़ दिया पंजाबी छोड़ देते हैं। मुझे। अच्छा चलो, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट क्या है दिल्ली में? दिल्ली में तो हाँ मुझे वो आप फ्रंटियर का खाना बहुत पसंद है, जो हम जाते हैं ना करोल बाग में, हाँ उसका खाना बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ऐसा एक इंग्रेडिएंट क्या है जो जिसको खाने में डाल दो तो बढ़िया हो जाएगा, खाने में डाल दो एक तो मैजिक प्यार इंग्रेडिएंट? प्यार ओ हो, वाह, कितने एकदम पोएटिक हो रहे हो आप। अच्छा बताओगे, आपको एक डिश बनानी हो अपने बच्चों के लिए तो आप क्या बनाओगे? सोया चाप बड़े खुश होके ओहो, खाते एंड हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए? तो पनीर और दाल में बिलीव करते हैं हमेशा। मतलब मेरी ओ मेरी शादी और एंगेजमेंट के बीच में 6 इयर्स 6 मंथ्स का गैप था,
और हम वीकली 3 to 4 times मिलते थे, तो उन्होंने कभी मुझसे मेन्यू नहीं पूछा, बस टोमेटो सूप, पनीर की वैरायटी और दाल और नान, बस हो गया। मैं बोला यही खाते हो और कुछ नहीं खाते हो? आपके हस्बैंड भी बनाते हैं आपके लिए कुछ या फिर सिर्फ आप ही बनाती हो? वो तो पानी भी नहीं देते, वो मुझे पानी भी नहीं देते, बनाना तो बहुत अच्छा एक चीज बताओ, जो आपने सबसे वियर्डेस्ट चीज क्या खाई है? वियर्डेस्ट? हाँ, चिकन सॉसेज। मैंने ऑक्टोपस खाया है। चिकन सॉसेजेस एक बार मैंने रखा हुआ देखिया कोलकाता में, मुझे नहीं पता था क्या होता है, तो वो वेजिटेरियंस के साथ रखा हुआ, तो जब मैंने उसको खाया तो नॉर्मल चिकन का टेस्ट तो पता है, बट वो सॉसेजेस बहुत गंदे लगते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। मुझे भी सॉसेजेस नहीं अच्छे लगते हैं, बहुत गंदे होते हैं वो अजीब से, उसकी शक्ल भी बहुत अजीब सी होती है। आपकी फेवरेट डिश क्या है बनाने के लिए, सबसे मजा किसमें आता है? सांभर। ओह नहीं, आपने कहाँ से सीखा सांभर बनाना? मैं तो कहीं से भी, मेरी सिस्टर बनाती है तो वो बहुत तरह से बनाती है, वो दाल अलग बॉईल करके, वेजिटेबल्स अलग करके, कभी मिक्स करके, तो वो जैसे बनाती है उन्हीं से सीखा। और वो मैं जो स्पाइसेस वो बाहर चेन्नई वगैरह में जो स्पाइसेस यूज होते हैं वही यूज करते हैं, मैं भी वही यूज करके बनाती हूँ। ठीक है, और एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे पास आपके पास, अगर आप कभी, आपको चूज करना पड़े कि आप कभी खा नहीं सकते या फिर कभी कुक नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? कि आप टेस्ट नहीं कर सकते कभी भी कोई चीज को या फिर कुक नहीं नहीं करूंगी, लेकिन मैं कुक करना नहीं छोड़ सकती, टेस्ट तो मैं वैसे भी कभी नहीं करती, कुछ भी बनाओ तो कभी नहीं टेस्ट करते, ये क्या बात हुई? आपको करना पड़ेगा अपनी चाट अभी, बिना टेस्ट के बनाती हूँ, एकदम सही बनता है, कभी गलत हुआ है? मैं खुशबू से बता सकती हूँ कि इसमें नमक कम है, इसमें भी यार नमक कम है, अभी थोड़ा डालना पड़ेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि आप ही भगवान हो, आप इतना सब कुछ कैसे कर रहे हो, आप सुन के बता देते हो कि क्या सही खाना बना नहीं बना है। तो अभी हमारी कचरी रेडी है, इट्स अ कचरी नॉट चाट, अभी सिर्फ कचरी है। मैं आपको बताया था कि मैंने ओट्स के कप बनाए हुए थे और मैं अभी इसके अंदर इसको फिल कर रही हूँ। ओट्स के कप? ओट्स का आटा मैंने नॉर्मली नमक और कोरिएंडर लीव्स के साथ डो बना के और इस तरह के टार्ट्स में डाल के थोड़ा सा यहाँ पे डस्ट किया था फ्लावर, और मैंने इसको कुकर के अंदर बेक किया था, मेरे पास ओटीजी नहीं है तो मैं इसको नॉर्मली कुकर में बेक किया था। अभी हम यहाँ पर इसको प्लेस कर रहे हैं। कुकर में कैसे बेक करते हैं? कुकर में कुछ नहीं करना, आपको कुकर का विसल उतार देना है और नीचे कुछ हैवी बॉटम रख के उसके ऊपर इसको रख दीजिए, बेक हो जाएगा। ठीक है, कितनी देर के लिए रखना होता है? 10 minutes में हो जाता है, 10 to 12 minutes में हो जाता है। ठीक है, बढ़िया। तो अभी हम देखिए, हमने अपनी कचरी जो है ये टार्ट्स के ऊपर लगा दी है, अब हम इसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम लेंगे अपनी, मैं यहाँ रखू आपको? हाँ, हाँ, ये हाँ, आप उस वाले उस पे रख सकते हो जिसपे, हाँ चलो आप फिक्स कर लिए, ठीक है बढ़िया। हाँ, अभी हमने यहाँ पे जो चटनी ली थी अपनी, इसको मैंने यहाँ ब्रश पे ले लिया है और एकदम ऐसे फैंसी शेफ टाइप आपने बनाया ये। अरे शेफ तो मन के शेफ हैं हम तो, ये मेरे जो टार्ट्स थे। अब मैं इसको गार्निश करूंगी, गार्निशिंग के लिए भी मेरा हेल्दी ऑप्शन है कि मैंने यहाँ पे कीवी को स्लाइस किया हुआ है, डाइस्ड किया हुआ है, और थोड़े से मैंने आमंड्स को यहाँ पर डाइस करके। ओके, हाँ, मुझे खाने का मन कर रहा है, मेरे ऐसे मुंह खुलता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, शायद कि मेरे को लग रहा है कि मैं आपको खिला पाती तो मुझे पता लगता, बट मुझे एक चीज बहुत लगती है कि जब मैं कुछ बनाऊं तो सब लोग टेस्ट करके बताएं, बट मेरे घर में ऐसा नहीं है, वो कहते हम खा लेंगे बाद में, तो वो मुझे पता नहीं आता। मुझे लगता है जब जो चीज बनाई है वो तुरंत होनी चाहिए, उसका तुरंत एक्शन होना चाहिए। आप भेज दो तुरंत, मैं अभी कर लूंगी टेस्ट शायद कभी ऑनलाइन में ऐसा ऑप्शन आए कि खाना भी ऑनलाइन जा पाए, कितना मजा आता ना अगर ऐसा होता। तो ये मेरी अनियन कचरी चाट है रेडी, आपको देखने में अच्छी लग रही होगी, बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत टेम्पटिंग लग रही है। और इसको जो हमने जिस मेथड से बनाया ना एक क्ले पॉट में, इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है ना, आप सब्जी का टेस्ट भूल जाओगे, कि जो नॉर्मल हमारी टेस्ट होता है सब्जी का उससे बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ। वाओ, बहुत ही सुंदर लगी है।
होप आप लोगों वेरी को पसंद नाइस आया जी। हमारे व्यूअर्स कमेंट करके नीचे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है एंड इफ यू डिसाइड टू रिक्रिएट योर रेसिपी प्लीज टैग फैम हेल्थ एंड टैग वंदना जी। वंदना जी आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है बता दो सबको। मेरी YouTube चैनल का नाम है वेज फूडीज और वहाँ पे मैं बहुत प्रोफेशनल वीडियोस नहीं बनाती हूँ, सिर्फ जो मन होता है बना देती हूँ। तो प्रोफेशनलिज्म में मत जाइएगा, बस ये देखिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंदना जी हमारे साथ करने के लिए, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ लाइव करके। आई थिंक सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लाइव मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगा और होप की लाइफ में मैं दोबारा आपके साथ आ सकूँ। बिल्कुल, हम अभी डेट फिक्स कर लेते हैं कि आपको कब नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं हम फैम हेल्थ पे। थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, वी विल कम बैक विद मोर। टिल देन यू कैन लॉगिन इनटू famhealth.in/community और आ सोशल मीडिया, हमारे पास बहुत सारी रेसिपीज हैं, बहुत सारी डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट की चैट्स हैं जो आप देख सकते हैं। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू अब सो बाय मच, बोलो सारे व्यूअर्स को। टेक केयर।